आपको सैर करवाते हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे खूबसूरत मकाम की, जहां पर जाकर आप अपनी तमाम एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन को भूल जाएंगे। Birds, water, the air was so nice, everything was amazing. बहुत ही प्यारा स्पॉट है, यहाँ पर आके हमारी जो है सारी थकन दूर हो गई है। पहाड़ों में आना इटसेल्फ एक थेरेपी है। इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इस मामले में कि यहाँ पर हमारे पास ये मार्गला हिल्स के जो ट्रैक्स मौजूद हैं। हेलो एवरीवन, व्यूअर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन सभी की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 50% नौजवान इस बीमारी का शिकार हैं। वेल, हर बीमारी का हल होता है और मैं भी आज आपको इसी मसले के हल की तरफ लेके जा रही हूँ। आप सोचते होंगे कि शायद मैं आज आपको किसी डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, तो जी नहीं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में है। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कैपिटल लाइफ में एक खूबसूरत मकाम पर, जहाँ पर जाकर आप अपने तमाम मसाइल को भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको सैर करवाते हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे खूबसूरत मकाम की, जहाँ पर जाकर आप अपनी तमाम एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन को भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद का एक ऐसा मकाम जहाँ पर जाकर आप रिफ्रेश हो जाएंगे। लेट्स गो। में वैसे तो बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स हैं। वेल, आज मैं आपको जहां पर लेकर आई हूं दैट इज ट्रेल 5, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक शुमार होता है। इस ट्रैक पर सिर्फ खाली वॉक एंड ट्रैकिंग नहीं होगी, बल्कि और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं। वेल, आज मैं अकेली ही नहीं, बल्कि मेरी कुछ फ्रेंड्स भी मेरा वेट कर रही हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं, फ्रेंड्स को ज्वाइन करते हैं। उनके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को हैं, वो क्या हैं वो आगे चल कर आपको बताती हूँ। सो लेट्स गो। ट्रैक पर आते साथ ही आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, एक सूदिंग सा एहसास होता है। और इस एहसास के साथ साथ मुझे थोड़ी सी एम्बैरसमेंट भी फील हो रही है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और अब ज़्यादा वेट नहीं कराना, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाती चलती हूँ और उसके बाद चलते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। मेरा नाम नौशीन अहमद है और मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और ट्रैकिंग मेरा शौक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तैयबा मलिक एंड आई वर्क एज अ लाइफ कोच हेयर इन इस्लामाबाद, और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर अरेंज करवाती हूँ, लाइक हाइकिंग प्लस मेडिटेशन, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, और ये सब लोग इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आज मेरे साथ आए हैं। Hi everyone, my name is Alvina and I'm a student at Bahria University and I'm here along with my friends and I'm really having fun. Assalamualaikum, my name is Mamta and I'm doing bachelor's from Bahria University. Hello, this is Ganad. I'm here with my friends and we are here for a healthy activity. Thanks. I'm Asma, I'm housewife and this is my first time. Great. तो डिफरेंट प्रोफेशन से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और भी लोगों से जानते हैं ज़रा ये लोग कहाँ कहाँ से हैं भाई, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इतनी हेल्दी एक्टिविटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला हानू और मैं योगा टीचर हूँ, और आज अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन भी करेंगे और उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह हम आगे भी आएंगे। और नीलम हमारे साथ है और हम इनके साथ हैं। ग्रेट, आप बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरिया समील, आई डू मार्केटिंग इन माय प्रोफेशन, और माइंड एंड बॉडी कनेक्शन के लिए आई टेंड टू डू हाइकिंग रेगुलरली। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ एंड आई होप सी यू गाइस सून। Assalamu alaikum ji, my name is Safdar Kazmi. I'm a retired flight engineer and a pilot. I work with PIA and Air Malta both, and I've been tracking on these tracks for the last 60 years. मेरा नाम असलान अहमद है, बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और हम हर वीक यहाँ पे आते हैं और बेसिकली जो सुकून आपको इस्लामाबाद के ट्रेल्स पे आके मिलता है वो पूरे इस्लामाबाद में आपको कहीं सुकून नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है, मेरा फर्स्ट टाइम है तो बेसिकली हाइकिंग के लिए और बाकी मेडिटेशन सेशन के लिए आए तो मेरा फर्स्ट टाइम है। इंशाल्लाह देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आदर फादित नाम है, मैंने रिसेंटली लॉ कंप्लीट की है एंड यूट्यूब चैनल है मेरा एंड वीकली बेसिस में यहाँ पे हम फ्रेंड्स आते हैं ताकि हम अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन तो हो गया। मेरे साथ मेरे दोस्त डिफरेंट प्रोफेशन से मौजूद हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मार्केटिंग से रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ आने का मकसद एक ही है जो कि है सेटिस्फेक्शन हासिल करना, नेचर के करीब होना और यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत ट्रैक को। ट्रैकिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करनी हैं। सो गाइज, आर यू रेडी? लेट्स गो। तैयबा मेरे साथ हैं जो कि आज की हमारी इस ट्रैक की गाइडर हैं और ये मेरे साथ साथ गाइड भी कर रही हैं। तैयबा, वैसे तो आप कंडक्ट करती रहती हैं सेशन, मैंने काफ़ी दिनों बाद ज्वाइन किया आप लोगों को, मैं तो थक गई हूँ। तो कितना एक ट्रैक है जिसको आज हमने करना है? देखिए, थकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक जो कवर कर लिया है। अभी हम लोगों ने जो हमारी सेकेंड मेरा ख्याल आबशार है यहाँ पर जिनको के स्प्रिंग फॉल कहा जाता है, क्योंकि आज हम लोग मौजूद हैं ट्रेल 5 के ऊपर और ये मशहूर ही अपने स्प्रिंग फॉल वाटर की फॉल की वजह से। अच्छा, पीछे वाला जो फॉल था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, आगे वाला जो है वो इससे भी खूबसूरत है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। ऐसा ही जैसे जैसे हम इस ट्रैक को कवर करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको और ही ज़्यादा खूबसूरत जो मनाजिर हैं वो नज़र आएंगे। और अभी यहाँ पर क्योंकि आजकल अभी थोड़ा सा गर्मी का सीज़न है, लेकिन क्योंकि ट्रैक्स जो होते हैं क्योंकि हम थोड़े आप उसके बाद देखेंगे कि माउंटेन ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो जब वो स्टार्ट होगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही है, यू विल फील मच बेटर। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से लग रहा है कि जरा वो स्वेटिंग वाला भी फैक्टर है। जी बिल्कुल। बट ये है कि यहाँ पर आते हुए आपको जैसे आप इस ग्रीनरी में आते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़े फैक्टर है कि आप थोड़ी देर के लिए तो एक तो सबसे बड़ी जो आपकी नेमत है ना जिससे आप कट ऑफ हो जाते हैं आजकल वो है मोबाइल। Yes. तो जब सिग्नल्स आपके पास नहीं मौजूद होते ना तो वैसे जिंदगी सुखी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए आपकी जिंदगी वैसे ही बहुत सुकून में आ जाती है। सोशल मीडिया से दूर हो, टेंशन से दूर हो, एंजाइटी से आपको ऐसे लगता है कि आप दूर निकल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन नेचर है, आप उसके करीब हो, बहुत करीब होते हैं, तो उससे आपको वैसे ही एक होता है कि स्पिरिचुअल भी आपको एक और आपके माइंड बॉडी आपको एक क्लिनजिंग सी फील होने लगती है। पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो कि आप ऐसे लगता है कि कंज्यूम कर रहे हो इस नेचर से। बिल्कुल। यहाँ पर अभी आगे चलकर आपको परिंदों की आवाज़ें जब सुबह के टाइम में सुबह की औकात में आप उठते हो और अलग सुबह जैसे कहना चाहिए कि आपको परिंदों की आवाज़ें चहचहाहट आती है। हाँ। आप इस ट्रैक पर इस क्या मतलब इस्लामाबाद के जितने भी ट्रैक्स हैं इन पे आप आ जाओ तो आपको एवरी टाइम ये जो फीलिंग है, ये जो साउंड है, चर्पिंग साउंड, ये आपको ऑल द टाइम यू कैन फील इट, यू कैन हियर इट एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है तैयबा, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे अगर आप कभी सनराइज़ के वक्त आ जाओ तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है यहाँ पर। तो इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इस मामले में कि यहाँ पर हमारे पास ये मार्गला हिल्स के जो ट्रैक्स मौजूद हैं। बिल्कुल, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये है कि हम यहाँ पर क्योंकि ऑन एंड ऑफ में क्योंकि आपको बताया जैसे कि एक लाइफ कोच हूँ और एज अ हीलर भी काम करती हूँ, तो मैं डिफरेंट माइंड रिलैक्सिंग थेरेपीज भी करवाती हूँ। तो मेरा मकसद यहाँ पर लोगों को जो लेकर आने का होता है वो यही होता है कि हम माइंड रिलैक्सिंग थेरेपी एक तरह से इससे भी मिल रही है कि हम एक गाइडेड मेडिटेशन करें, ठीक है, पहाड़ों में आना इट्सेल्फ एक थेरेपी है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, तो उसके साथ अगर हम इस तरह की कोई अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जो कि आगे जाके हम करने वाले हैं, जो हम करेंगे इंशाल्लाह, तो व्यूअर्स इस एक्टिविटी में ना सिर्फ हम अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वेट लूज हो रहा है, बल्कि एक मेडिटेशन सेशन है, एक तरह से एक थेरेपी है, वो भी हम ले रहे हैं। और जैसे आप नेचर के करीब आते हैं तो यू कैन फील इट कि आप एक बड़े अच्छे एहसास में दाखिल हो जाते हैं, नेचर के करीब हो जाते हैं और पॉजिटिव वाइब्स, जस्ट पॉजिटिव वाइब्स, यस, वो आप कंज्यूम कर रहे हो। वैसे तो बहुत से खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन जिस जगह पर अभी मैं रुकी हूँ उसे कहते हैं स्प्रिंग वाटर फॉल। साल में सिर्फ 2 दफ़ा यहाँ पर पानी जमा होता है, इसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इतना ठंडा पानी और इसकी जो आवाज़ है, इतनी खूबसूरत आवाज़, उससे वैसे ही एक सूदिंग फैक्टर जो है वो आपको मिलता है। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड मौजूद है उनसे बात करते हैं। एलवी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? पहले तो ऐसा लग रहा था एग्जॉस्ट हो चुके थे मुकम्मल। दैट्स ट्रू, क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी ह्यूमिड है तो थोड़ा सा हम लोग डल हो गए थे, लेकिन अभी जिस स्पॉट पे हम लोग बैठे हुए हैं तो वो बहुत ही प्यारा स्पॉट है। यहाँ पर आके हमारी जो है सारी थकन दूर हो गई है एंड सो फार इट्स गोइंग रियली गुड। ग्रेट, आप बताएं ना कायनात, आपको मज़ा आ रहा है? थकी हैं या एंजॉय करी हैं? हाँ, मैं थक बहुत चुकी थी, लेकिन आप लोगों का इतना मोटिवेटिंग सा एनवायरनमेंट है, प्लस पानी को देख के एकदम से थकावट दूर हो गई। सही है, गर्मी है ममता, और एकदम पानी को देख के जिसे कहते हैं एक ठंडक का एहसास आ रहा है, तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है और मज़ा आ रहा है ट्रैक पे? बिल्कुल, बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले तो लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पानी को देख के लग रहा है कि अब कर सकते हैं। सही है, मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा देर टाइम गुजारने की बजाय थोड़ा आगे भी जाते हैं, बिकॉज आगे भी बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। और यहाँ पर आकर तो ऐसा लग रहा है कि जितनी थकावट पीछे वाले ट्रैक की थी वो ख़त्म हो चुकी है और आगे के लिए एनर्जी बहाल हो गई। ट्रैक्स तो बहुत से किए, ट्रेल्स भी बहुत सारे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ दी डिफ़िकल्ट ट्रैक्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो रास्ता मज़ीद कठिन होता जाता है, और ट्रैक की ब्यूटी ये है कि यहाँ की जो खूबसूरत सीनरी है, खूबसूरत नज़ारे हैं, उससे आपकी थकन ख़त्म होती है, लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार आपको तय करके आगे तक जाना है। चलिए, ट्रैक की एंडिंग की जाने बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक कठिन से कठिन होता जा रहा है, लेकिन रास्ते में आने वाली ये खूबसूरत आबशार और इसका ठंडा ठंडा पानी सारी थकावट को खत्म करे। reached our final destination। तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जगह इज़ वेरी 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 ऑसम, इतना खूबसूरत ये पॉइंट है कि यहाँ पर आकर बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, वो लोग जो हमारे साथ आए थे डेफिनेटली वो तो हमारे साथ है ही, लेकिन और भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलते हैं, मेरे ख्याल में ग्रुप के लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं रास्ता तो बहुत कठिन था, कैसा लगा, क्या क्या किया, कितना मज़ा आया। मेरे साथ मौजूद है अरिहा, मज़ा आया ट्रैक का, कि रास्ते में कोई थकावट, कोई रुकावट, कुछ ऐसा हमारे व्यूअर्स के साथ जरा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। मज़ा बहुत ज़्यादा आया, माइंड बहुत रिफ़्रेश महसूस हो रहा है और सोल बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस हो रही है। थोड़ा टफ था, लेकिन इट्स गुड फॉर कार्डियो हेल्थ, आई थिंक इट्स गुड। तो अभी भी बाकी है, मेडिटेशन के बाद थोड़ा और रिलैक्स महसूस करेंगे। अच्छा, रास्ते में आते हुए डिफरेंट पॉइंट्स थे, कभी आपको पानी नजर आ रहा था, कभी ऊंचे ऊंचे तरह, दैट वाज सो गुड कि आपका जो माइंड है वो हर तरह की नेचर की आवाज़ को सुन रहा है, बर्ड्स, वाटर, द एयर वाज सो नाइस, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। एंड यू नो व्हाट, देयर डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रीन्स इन हियर, हर तरह का ग्रीन कलर आपको नजर आएगा लीव्स पे। यस, अमेजिंग, इट्स लाइक हेवन टू द आईज। वैसे तो बहुत सारे लोग थे जो कि एंडिंग पॉइंट तक पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि बहुत जगहों पे काफ़ी सारे लोग रुके, सांस लेते रहे, पानी पीते रहे, लेकिन एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि किसी जगह नहीं रुका और दूसरों को मोटिवेट करता रहा, दैट वाज उजैर। उजैर मेरे साथ मौजूद है, उजैर से बात करते हैं। उजैर, एक्चुअली यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। सब हेल्दी फिट होने के बावजूद जगह जगह रुके, लेकिन आपने ये मैसेज दिया है कि भाई अगर कुछ मसले मसाइल हों भी आपके साथ, आप उनको भी कुप अप करके आप अपने मामला जो हैं वो ठीक से गुजार सकते हैं, आप सबको पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं। ये बताइए भाई, राज क्या है फिटनेस का? राज तो फिटनेस का यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपनी डिसेबिलिटी को आगे नहीं आने दिया, अपने आड़े नहीं आने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाइकिंग कर लेता हूँ इजीली अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे शौक़ भी है और लोगों को भी कहूँगा कि मतलब आप लोग करें, हाइकिंग करें और मतलब डरना नहीं चाहिए और बस। अच्छा, उजैर को टाइफाइड हुआ जिसके बाद इनके जो राइट हैंड है उसका थोड़ा सा इशू हुआ, जिसके बाद थोड़ा सा चलने फिरने में प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन इन्होंने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी टफ टाइम दिया। उधर रेगुलर हाइक करते हैं? वीक में एक दफ़ा, संडे टू संडे आई थिंक। अच्छा, लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं आप, अपनी क्या मोटिवेशन होती है? अपनी मोटिवेशन ये होती है कि इंशाल्लाह जो मैंने अचीव किया वो पूरा करना। मेरे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र और हमेशा ही ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, लाइफ कोच भी हैं। तो तैयबा से बात करते हैं। तैयबा, इतने मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी आपने करवाई है, यहाँ आकर तो बहुत मज़ा आया, आगे क्या कुछ करवाने वाली हैं? जी, पहले तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़्यादा थकावट नहीं हुई होगी, आपने इन्जॉय किया होगा ट्रैक को। सुपर एक्साइटेड हो गई जी। अब यहाँ पर आकर हम लोग अपना ये स्प्रिंग फॉल के साथ एक मेडिटेशन सेशन है जो हम करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग जो है ग्रीन एंड ग्रीन की एक्टिविटी करेंगे कि हम किस तरह से अपनी नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं और इन्वायरमेंट, हाँ जी, इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। और उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, सर्टन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेसिफिकली ख़ुद इट्स सेल्फ नेचर में आना, माउंटेंस में ट्रैकिंग करना, ये ख़ुद इट्स सेल्फ एक थेरेपी है। तो उसके साथ अगर आप इस तरह की गाइडेड मेडिटेशंस करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा इशू है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक शोर है जो हमारे इर्द गिर्द भी है और हमारे अंदर भी, जहनों में भी है, जहनों में भी है। तो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज़ को अरेंज करने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर की भी जो शोर है उसको भी खामोश करवा दें, लेट को कर दें और थोड़ी देर के लिए अपने लिए वक्त निकालें। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रेल 5 का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन था बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आएं और नेचर में खो जाएं, इससे अच्छी और खूबसूरत जगह और कहाँ हो सकती है। वेल, आप जहाँ पर जब भी आएं तो यहाँ पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ पर रैपर्स और कूड़ा करकट डालना सख्ती से मना भी किया गया है। लिहाजा यहाँ पर आएं, सफाई सुथराई का ख्याल भी रखें और नेचर को एंजॉय करें। मैं चली अब जरा मेडिटेशन सेशन को एंजॉय करने, क्योंकि इस सेशन में मुझे दुनिया से कटना पड़ेगा और नेचर के मजीद करीब होना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वाचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। नाक से गहरा सांस लीजिए, इनहेल डीपली कमरे में, एक्सहेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। Inhale deeply. And exhale slowly.